जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं उन सभी गुरुओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। आइए आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और अपने जमाने के प्रसिद्ध दार्शनिकों में से एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन को ही हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बात उस समय 1962 की है जिस समय डॉक्टर राधाकृष्णन के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ शिष्यों और उनके कुछ मित्रों ने कहा था कि मैं आपके जन्मदिन को मनाना चाहता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सोचा और उन्होंने कहा कि मेरे जन्म दिवस को मनाने के बजाय यदि आप पूरे भारत के शिक्षक को यदि मेरे जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं, शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं, सभी शिक्षकों के लिए मनाते हैं तो मैं बहुत खुश हूँगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बातों को मानते हुए उनके शिष्यों ने पहली बार 1962 में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया। तब से भारत में यह परंपरा बन गई और प्रत्येक साल 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। आइए शिक्षक एक विद्यार्थी के लाइफ का बहुत बड़ा रोल अदा करता है क्योंकि माता पिता ने अपने बच्चों को जन्म देता है, लेकिन पढ़ाने के अलावा बहुत सारे जो गाइडेंस होते हैं वह शिक्षकों के द्वारा दिए जाते हैं, तो शिक्षक को सर्वोपरि माना गया है। आइए शिक्षक को हम सिर्फ किसी गिफ्ट से ही खुश नहीं करें, अपने आचरणों से उन्हें खुश करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो अपने समाज में, अपने देश में एक नए क्रांति को ला सकता है। तो आइए हम सब लोग शिक्षा से जरूर जुड़े और इस शिक्षा के ज्योत को आगे भी फैलाने का हम सब लोग प्रयास करें। तो आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सभी मित्रों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू।